वेरी गुड। तो सर ये साइड ऊपर हो जाती है। सर दूर है ना, सर दूर है ना। मोबाइल साइंस लेबोरेटरी सर्कस ऑफ साइंस विज्ञान का जंतर मंतर आज पहुंचा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन शहजादपुर में। और आज क्योंकि नेशनल मैथमेटिक्स डे इस कॉलेज में मनाया जा रहा है, तो इस लक्ष्य में एसपीएसटी की तरफ से एक विज्ञान बस यहां पहुंची है। और यहां पर काफ़ी लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा और उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या कहा उन्होंने, चलिए देखते हैं। देखिए, हर साल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, इसी तरह से साइंस डे होता है। कई ऐसे दिन होते हैं जबकि किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेकर और उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए वो दिन मनाया जाता है। तो मैथमेटिक्स डे इसलिए भी मनाने की आवश्यकता है क्योंकि मैथमेटिक्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। शिक्षित उसे ही माना जाता है जो कि गुणा भाग कर सकता हो, और सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं आना चाहिए बल्कि कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात यह कि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन बहुत बढ़ रहा है। मेडिसिन में भी आजकल बहुत एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड है, इसी तरह से साइंस इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। और मैथमेटिक्स जो है एक तरह से लैंग्वेज है साइंस की, टेक्नोलॉजी की और कई सारे अप्लाइड साइंसेस की, इसलिए मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और दुनिया में इसका मैथमेटिक्स को किसी ना किसी रूप से उसको एक दिन फिक्स होता है और उस दिन याद करते हैं और देखते हैं कि मैथमेटिक्स में हमने क्या किया और भविष्य में क्या संभावना है। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा,
हमने इसका नाम एक फंक्शन रखा था, इंटरैक्टिव सेशन रहा था, रखा गया था नाम इसका, लेकिन जिस तरह से ये इवेंट हुआ SPSTI की तरफ से, पहले फिल्म्स दिखाई गई मैथमेटिक्स पे, रामानुजम पे, और इंटरैक्टिव सेशन हुए, और फिर इसके बाद साइंस वैन के साथ जो प्रैक्टिकल्स किए गए, तो ये सब एक मेले से कम नहीं था। और लड़कियों में भी बहुत उत्साह है, और उनमें जो सीखने की क्षमता है वो उभर के सामने आ रही है, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स में जो मॉडल्स जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे, सिर्फ किताब में पढ़ा था, वो मॉडल्स देखने के मिले के लिए मिले, और उसके अलावा जो साइंस के कुछ प्रैक्टिकल्स फिज़िक्स के हुए, उस सबको देख के जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे, इस तरह की चीज़ें उनको देखने को मिली, जिससे कि उनमें बहुत मैं मानती हूँ कि आत्मशक्ति ज़रूर आई होगी कि वो आगे जो कर रही हैं उससे बेहतर ही करेंगी। थैंक यू। First of all, I would like to introduce myself. My name is Harshdi from BSc second year. I'm studying in Government College, Shahjahanpur. And आज का जो session था काफ़ी interactive था National Mathematics Day पे। हमारे college वालों ने हमें काफ़ी अच्छी opportunity दी कि हमें इतने अच्छे professor, डॉक्टर धर्मवीर सर से इतना अच्छा सब कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर केया मैम ने भी हमें काफ़ी कुछ बताया, उनके बारे में बताया, उनकी experiences बताए, और हमें करियर गाइडेंस भी दी उन्होंने हमें, और काफ़ी अच्छा लगा हमें, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव था काफ़ी ज़्यादा, और इवन उन्होंने चॉकलेट्स भी बांटी बच्चों, तो उन्होंने आंसर दिए बच्चों ने जब उनके, और हमने अमित सर और अमन सर ने भी हमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स दिखाए, प्रैक्टिकल्स दिखाए, और हमें काफ़ी फैक्ट्स भी बताए, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और हमने काफी एंजॉय भी करा। तो क्या मानते हैं कि आज जो मैथ डे मनाया गया कितना सक्सेसफुल रहा? कुछ मैथ अब आपको आसान लगा पहले से? आज आपने काफी एक्सपेरिमेंट जो मैथ के प्रैक्टिकल रूप में देखे। सर एक्चुअली मुझे पहले से अच्छा लगता है मैथ्स। अच्छा। फिजिक्स और मैथ्स में है मेरा, मेरे को है कि मैं आगे प्रोफेसर भी बनूं जी, तो मेरे को मैथ्स और फिजिक्स काफी अच्छे लगते हैं। आपके कॉलेज में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया, जिसके विषय में SPSTI द्वारा एक फिल्म भी आपके यहाँ दिखाई गई रामानुजन के जीवन के ऊपर, तो कैसा लगा आज आपको ये सब? फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एवरी वन, आई एम योगिता सैनी फ्रॉम BSc फर्स्ट ईयर। आज जो हमने मैथमेटिक्स डे मनाया है, जो रामानुजन सर के बर्थडे पे मनाया गया है, सो उसको मैंने बहुत इन्जॉय किया सर। पहले बेसिकली मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे से नहीं होता, बट फिजिक्स वगैरह मैं कर लेती हूँ, बट आज के सेशन के बाद मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल्स हमने खुद किए हैं उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे हुआ कि हाँ, मैं इंटरेस्ट हुआ कि मैं खुद कर सकती हूँ, और जो आज हमने लाइव सेशन मैम के साथ बातें की, केया मैम और धर्मवीर सर से जो बातें की, उससे बाद उन्होंने अपनी लाइफ सक्सेस के बारे में बताया, लाइफ स्टोरी के बारे में बताया, और आगे एग्ज़ाम्स के बारे में बताया कि कैसे हमें करना चाहिए, तो उसके। गुड आफ्टरनून, आई एम पाकी देवी फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर। मुझे आज बहुत अच्छा लगा जो मैम और सर ने हमें जो भी बताया है साइंस और स्पेस के बारे में, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेस में मेरा पहले भी इंटरेस्ट है, और जैसे अब एग्जीबिशन हुआ था तो हमने रॉकेट का वो मॉडल बनाया था, तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, और जो मैम ने क्वेश्चन किए हैं और उन जो बच्चों ने आंसर्स दिए हैं उनसे हमें नई नई चीज़ें सीखने को लिया है। अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे तो आई एम श्योर कि मैं उन क्वेश्चंस का जो आज यहाँ पे हमें बताया गया उनका जरूर आंसर दे पाऊंगी, और जो मैम ने बताया कि कैसे एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए आगे करियर के बारे में, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मोटिवेशन मिला है कि हाँ, हम कर सकते हैं जो हम पहले सोचते थे कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, मैम और सर से ये मिला है कि हाँ हम कर पाएंगे, और हमें बहुत सारी चीज़ें आज प्रैक्टिकली करने को मिली है। थैंक यू। और इस समय हमारे साथ मैथ के लेक्चरर हैं मैडम नताशा जी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनको आज ये कार्यक्रम कैसा लगा। जी मैम, क्या बताएंगे आप? पहले तो मैं SPSTI का ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आए और इतना सारे बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव सेशन रखा, और ऐसे ही साथ में हमारे जो मोबाइल वैन चल रही है मैथमेटिक्स एक्सपेरिमेंट्स को दिखा रही है बच्चों को, बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आज मुझे लग रहा है कि मैथ्स को वो ज़्यादा विलिंग से पढ़ेंगे आज के बाद। मैं चाहे बहुत जितना जोर लगा रही थी, लेकिन आज से आपकी तरफ से इतनी जो योगदान दिया गया है मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। आपने मैथ्स मैथमेटिक्स दिवस के ऊपर डे पे आज यहाँ के बच्चों को बहुत ही अच्छा सेशन दिया, लेक्चर्स दिए, फिल्म दिखाई। मैंने मतलब बच्चे आप खुद से नहीं देखते जब तक उनको कुछ ना बताया जाए। SPSTI NGO की तरफ से जो ये
आज योगदान दिया गया मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और मैडम किया मैम धर्मवीर सर एंड शर्मा सर महिपाल धर्मा सर का भी धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे डेमोंस्ट्रेटर्स जो हैं अमित सर एंड अमन सर जिन्होंने बच्चों को इतने इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स दिए एज वेल एज एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा, धर्मवीर सर और किया मैम से मिलकर स्पेशली जो डेमोंस्ट्रेटर हैं उनकी जो डेमोंस्ट्रेशन देखकर प्रेजेंटेशन देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ओवरऑल गुड। कुछ स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हमसे जानना चाहेंगे कि इनको यह प्रोग्राम कैसा लगा। जी क्या बताएंगे आप? मेरा नाम सलोनी है, मैं कक्षा फाइनल ईयर की छात्रा हूँ, बीएससी फाइनल ईयर। आज हमारे कॉलेज में विज्ञान बस आई थी तो हमें वो सारा एक्सपीरियंस जो है उन्होंने ज्ञान दिया वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो फिर जो भी उन्होंने हमें बताया अगर ऐसे ही हमें समझाया जाए या पढ़ाया जाए तो ज़रूर हमारे कॉलेज में से कोई ना कोई साइंटिस्ट जरूर बन सकता है। थैंक यू सर।